सरकार के बारे में, पंजतन पाक के बारे में, औजे इकराम के बारे में बोलते और सुनते रहते, तब तक हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होते रहती है। बोलना और सुनना छोड़ डाले तो हमें दुनिया के झमेले में फंस जाते। तो ये दुनिया के झमेले से निकाल दो, हमें यहाँ आकर कुछ बोल रही सुन रही सरकार की शान में, तो हमारे अंदर सरकार की मोहब्बत पैदा होगी। हर कोई भी जुमेरात के हलके में, जिक्र के हलके में आपको शामिल होना चाह रहे, सरकार की कुछ बात सुनना चाह रहे, समझना चाह रहे और कुछ अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश कर रहे, तो अल्लाह सरकार वाली से पाक हमना सबको भी यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। तो सरकार वाली से पाक अपने मुरीदान को, अपने आशिकान को कई तरह से तालीम देते, कई तरह से सरकार वाली से पाक अपने मुरीदान को तालीम दे देते। सरकार के यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं था कि सबको बिठा को एक साथ तालीम दिया जाए, सबको एक रकम की तालीम देना ये सरकार पसंद नहीं करते। जो जैसी ज़रूरत लेने को आता था सरकार वारी से पास उसे वैसी तालीम देता, और जो दुनिया के जितनी भी तालीमात हैं, जितना भी इलम है, इसकी तरफ सरकार वारी से पाक ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सरकार वारी से पाक अपने मुरीदों को दे देते तो वो मोहब्बत की तालीम देते। दूसरे सारे इलम अपनी जगह, लेकिन सरकार वारी से पाक चाहते थे कि मेरे आशिका मोहब्बत करने वाले हैं। सरकार वारी से पाक ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत के ऊपर ही तवज्जा दे देते। सरकार की शान है, सरकार खुद एक आशिक थे। सरकार हमेशा मोहब्बत को पसंद फरमा देते, तालीम भी मोहब्बत की और सरकार वारी से पाक का अमल भी मोहब्बत का। तो सरकार वारी से पाक ऐसे आशिक थे, जब कोई भी सरकार वारी से पाक के सामने मदीने का नाम ले लेता तो सरकार एक चीख मारते और बेहोश हो जाते। सरकार मदीना से सरकार वारी से पाक को बे इंतहा मोहब्बत थी। सरकार के बचपन का ज़माना था तो जो लोग हज को जाते थे उन्होंने वहाँ के कुछ फोटो ले ले गए, वो पिक्चर के जैसा दिखा देते कि फोटो बदल बदल को पिक्चर निकाल देते। तो सरकार वारी से पाक भी ऐसे फोटो देखने जाते, जब मदीने के फोटो देखते तो सरकार वारी से पाक की मोहब्बत थी कि उनके आँखों में पानी भर को आ जाता, और साफ ऐलान करते कि ये फोटो देखने से क्या फ़ायदा, असल फ़ायदा तो तब है जब महबूब का दीदार भरा है रास्त कर। और सरकार वाले से पाक ऐसे आशिक थे कि उनकी ज़ुबान पर हमेशा आशिकाना कलमे जारी रहते, गज़लों की शक्ल में, नातों की शक्ल में हमेशा आशिकाना कलाम अपनी ज़ुबान को जारी रहता था। हमेशा तालीम भी वज दे देते और अमल भी वज करके बता देते। अपने हर मुरीद को भी सरकार वाली से पाक चाहते थे कि मेरे मुरीदा, मेरे आशिका जितने भी हैं ये पूरे आशिका बन जाते। तो तालीम सरकार वाली से पाक आशिकी की देते।
बात बात को मिसाल देते थे आशी जी की। एक जगह फरमाते आशिकी तो सभी करती लेकिन आशिक बन जाना सबका काम है। लैला के हजारों चाहने वाले थे, यूसुफ अली सलाम के लाखों चाहने वाले थे, लेकिन वो हिस्सा मजनू का और जुलेखा ही का था जो सच्ची पक्की आशिकी में उनको नसीब हुआ। तो लैला मजनू की कहानी भी सरकार हमारी से पाक दोहराते हुए बताते कि असल आशिकी वो पाक मोहब्बत थी जिसे खुदा पाक ने उनकी मोहब्बत को कबूल फरमा लिया। लैला तो महलों में रहने वाली, लैला महलों में रहने वाली थी, मजनू तो रेगिस्तान में रहता था। तो रेगिस्तान में मजनू की आशिकी के बारे में सरकार वाली से पाक क्या बताती, मजनू रेगिस्तान में होते रहते थे, रेगिस्तान के हर जर्रे में अपनी लैला का दीदार करता था। रेगिस्तान के हर जर्रे में मजनू लैला का दीदार करता। तो उनकी मोहब्बत इतनी पाक थी कि खुदा खुद उनकी मोहब्बत को कबूल करता। तो जब भी मोहब्बत का नाम आता तो सरकार बारिश से पाक ऐसे निशाना दिया गया। जब हाफिज प्यारी वासी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी प्यारी से जो मोहब्बत कर देते और प्यारी के घर वाले इनकार कर देते, शादी से नाराज़ थे, तो प्यारी के वालिदा को समझाने के खातिर सरकार वारिस पाक उनके घर को तशरीफ लेते बोले और प्यारी के वालिदा को बोले देखो हमें दुनिया बहुत ज़्यादा घूम गई, बहुत ज़्यादा फिर गई। सरकार वारिस पाक की शान है कि सरकार वारिस पाक पूरे आलम में चल फिर को मोहब्बत की तालीम देखो। दुनिया में कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ वारिस पाक की पहुँच नहीं। सरकार वारिस पाक हर जगह पहुँच को ही हर एक को भी मोहब्बत की तालीम देखो, हर एक को भी खुदा का ताल्लुक जोड़ा को ही। सरकार वारिस पाक उसी जगह भी खाली नहीं छोड़ पाई। जहाँ भी सरकार वारिस पाक जाते उनको अपनी जुबान में सरकार आशिकी के बोल बताओ। एक मरतबा तुर्की का भी सफ़र हुआ, तुर्की का सफ़र हुआ तो तुर्की के बादशाह के महल की तरफ पहुँच गए। वहाँ का यह गुलाम भी सरकार का आशिक था, बादशाह के महल को बुलाने को चलेगा। अब सरकार वारिस पाक बादशाह के महल को गए तो सामने जो बाग था उसमें एक कंबल बिछा ले को सरकार वारिस पाक आराम से बैठे सुकून से। अब जैसे ही सरकार वारिस पाक बैठ पाई तो वह बादशाह भी वो महल की तरफ तशरीफ ले लगवा। अब आग को देख रहा है तो ये कैसे फकीर ही जो इतनी बेनियाजी से मेरे बाग के अंदर बैठी कि इनको कुछ भी होश ही नहीं है। ये दिल में सोच ले को सरकार वाले से पाक के सामने तो सरकार वाले से पाक उसकी तरफ एक निगाह उठा को देखे, उसकी तरफ एक निगाह उठा को देखे और वो बादशाह को बोले देखो हमें देखकर हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़कीर का कोई घर नहीं होता, फ़कीर का कोई घर नहीं होता, सब घर फ़कीर के होते हैं। सब घर फ़कीर के होते हैं और वो भी सरकार वारिस पाक ऐसा बोल रही उसकी अपनी ज़ुबान तुर्की ज़ुबान में बोल रहा। तो बादशाह बड़ा हैरान और परेशान होगा कि ये बुज़ुर्ग को मैं पहली बार देख रहा हूँ
और वो भी मेरी अपनी जुबान में ना मन से बात कर रही ना, ये सोच ले को छ अभी फिर सरकार वाली से बात क्या बोल रही हूँ। देखो सोच को हैरत में होने की, परेशान होने की बात नहीं है, परेशान होने की क्या भी बात नहीं है। जो लोग दिलों की बोली को समझ लेते बोलो, हर बोली को समझना आसान होता है। सरकार वारिस से पाक दिलों की बोली को, दिलों की जुबान को पहचानने वाले थे, उनको तो दुनिया की हर जुबान आसान थी। सरकार वारिस से पाक पूरी दुनिया के अंदर चलते उनको मोहब्बत की तालीम देखो इंसान। तो हाफिज प्यारी के वालिदा को भी सरकार वारिस से पाक क्या बोले, देखो मैं दुनिया बहुत फिर गो, बहुत से जगह मेरा पाला पड़ गो है, बहुत आदमिया से मेरी मुलाकात हो गई है। इराक के में एक जगह गया था मैं, इराक में एक गाँव को गया था मैं, वो गाँव के अंदर दो आशिकाने थे, एक लड़का और एक लड़की दो आशिका रहते थे। उनकी मोहब्बत को उनके घर वाले बिल्कुल नहीं कर रहे, लड़की के ऊपर ज़बरदस्ती करे कि तू बोल रहा वो लड़के को कि मैं तेरे से मोहब्बत नहीं करती, तो वो लड़का तेरा पीछा छोड़ देता। तो लड़की के ऊपर बेइंतहा ज़ुल्म करने लगे, तो लड़की वालिदैन की माँ बाप की बात सुनकर राज़ी होगी और वो लड़के को बुला ले, वो लड़के को बुला को वो लड़की क्या बोल रही, मैं तेरे से मोहब्बत नहीं करती। वो लड़का पूछा, देख सोच को बोल, तो क्या बोल रही है, पहले समझ ले उसके बाद में मुझे बोल। तो दूसरी मर्तबा भी वो लड़की बोली, मैं तेरे से मोहब्बत नहीं करती। तो फिर तकरार से वो लड़का पूछा, देख मैं आखिरी बार पूछूं तेरे से, तो क्या मेरे से मोहब्बत करते या नहीं करते। तो तीसरी बार को भी वो लड़की, मैं तेरे से मोहब्बत नहीं करती। जैसे ही तीसरी बार को वो लड़की बोली कि मैं तेरे से मोहब्बत नहीं करती, वो लड़के के जिस्म से जान निकल, वो लड़के के जिस्म से जान निकल गई। अब ये लड़के की जैसे ही जान निकलना था, ये नज़ारा देखो वो लड़की की जान भी निकल गई। उनकी आशिकी उनकी मोहब्बत सच्ची और पक्की थी कि अपने आशिक का दम सामने निकलते हुए नहीं देख सकी, इसकी भी रूह निकल गई। तो सरकार वारिस से पाक ये मिसाल देखो हाफिज प्यारी के वालिदा को भी समझाए कि हमें दुनिया बहुत देखो ही, हमें बहुत रकम से कि आदमी से पाला पड़ गया है, बहुत सारे वाकियात देखो ही, तुम्हें संभल जो और सुधर जो और इनकी मोहब्बत को कबूल फरमा लो बढ़ो। लेकिन फिर भी उनके घर वाले भी उनकी मोहब्बत को नहीं भूल। सरकार वारिस से पाक पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे वाकियात को चलते, हालांकि कोई पक्की बात ये नहीं बता सकते कि सरकार वारिस से पाक कहाँ कहाँ गए कब कब मेहनत करे, इसका कोई अंदाज़ा लगा च नहीं सकते। ठीक है, तो सरकार वारिस से पाक देवा शरीफ में आस्थाने आलिया में मौजूद भी रहते, और सरकार वारिस से पाक दूसरे देशा में जाकर मोहब्बत की दावत भी दे देते। कभी सरकार वारिस से पाक मदीने के इमाम भी बनकर होते, कभी मक्के में नमाज भी पढ़ा लेकर होते, और देवाओं के आस्थाने आलिया में भी मौजूद रहते थे। हज का महीना था, दो भाना भाना, एक भान देवा शरीफ से हज के वास्ते निकल और एक भान देवा शरीफ में मौजूद रहे। अभी हज के अयाम जितने दिन थे, आना और जाना जितने दिन थे, पूरे के पूरे दिन ये भान सरकार के आस्थाने में मौजूद है, सरकार वारिस से पाक भी वहाँ मौजूद है। और एक जो भान हज के वास्ते गई थी उन्हें वहाँ जाकर देख रही है, तो सरकार वारिस से पाक
काबे में इमामत कर ले रोहिंग सरकार वाले से पाक काबे में इमामत कर ले रोहिंग आप सरकार की आशिक थी तो जैसे ही सरकार को देखी बड़ी खुश हुई मेरा हज कबूल होगा मेरा हज कामयाब होगा कि मेरे पीर भी मेरे साथ हज के मौके में साथ में है। अब जैसा ही पूरा हज के अरकान पूरे हुए पूरा हुआ तो फिर वो हज को गई हुई बहन जो है देवा शरीफ को वापस आई। आप अपनी बहन को कारगुजारी सुना लिए ये बार का हज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था हमारे पीर हमारे साथ मक्के में थे उनकी इमामत में हमें नमाज़ अदा करें तो सरकार वारिस से पाक के साथ और एक बहन भी थी उन्हें क्या बोल रही जब से तुम्हें हज को निकले उस दिन से आज तक सरकार वारिस से पाक वैसे भी गंगा सफरिज करेगी हर रोज मेरी हाजिरी सरकार में हो रही है और मैं सरकार के साथ बाकायदा हूँ। अब दो भाना भी घर में बात कर ले सरकार वारी से पाक के आस्थाने में है आपको हर्ष करने के वास्ते ही ये क्या माजरा हमारी क्या भी समझ में नहीं आ रहा है जरा सरकार तुम्हें समझा दो लोग ये पूछने का इरादा ले लो है तो मजलिस बल्ला की बेटी भी थी सरकार वारी से पाक सबके सामने ऐलान कर दले समा जुम्मा का दिन है समा जुम्मा का दिन है कौन कौन मेरे साथ मेरी इमामत में नमाज पढ़ना चाहती मैं किस किस के गाँव को आपको नमाज पढ़ाऊंगा तो उस वक्त में जितने आस्थाने में थे सब हाथा उठे सरकार तुम्हें हमारे गाँव को सरकार तुम्हें हमारे सरकार तुम्हें हमारे सब हाथा उठाते थे। अब सरकार सबको देखे वहाँ तो जिंदगी का सवाल ही नहीं था मजमा बहुत बड़ा था सरकार सबके सामने ऐलान कर दले जब हमें आपको तुम्हारे गांव में नमाज पढ़ा सब अपने अपने गांव की राह लिए निकल गए। दूसरे दिन का मामला है जुम्मा का दिन जितने आदमियों को सरकार वारी से पाक वादा करे थे वत्ते आदमियों के गुम्मा में जाओ सरकार वारी से पाक एक ही चेक टाइम जुम्मा की नमाज पढ़ा तो सरकार वारी से पाक की शान है कि सरकार वारी से पाक आशिकी का सबक ऐसा देती अपने आशिकों को अपनी तरफ ऐसे मुतवज्जा करती कि अपने आशिक का ध्यान किसी दूसरी तरफ जाने च नहीं देते। सरकार वाली से पाक की शान है कि सरकार का नाम जो हमें या वारिस हक वारिस ला वारिस जो हमें देती ये नाम असल में इसमें आजम है हमारे पीर का नाम या वारिस अपना जो भी जरूरत पड़े हमें या वारिस बोल को अपनी जरूरत पूरे कर ले सकते हैं। इब्राहिम बेग शैतामिया वारसी अजमेर को गए तो इनकी तबीयत बिगड़ गई तो दवाखाने को चले गए जब दवा ले लगेंगे इब्राहिम बेग वारसी सरकार के बहुत खास एहराम पोशों में से और मुरीदों में से भी तो दवा लेने के वास्ते अजमेर के दवा खाने को गए तो वहाँ एक नौजवान जिसे पेट में बहुत दर्द था उन्हें या वारिस करते हो इधर फिरता है या वारिस करते उधर फिरता है जितना भी उसे तकलीफ हो रही है वत्ते बार भी उन्हें या वारिस करते बोल रहा देखे क्या भी इनकी समझ में आया नहीं इन्होंने जो दवा लेना था ले लिया वापस आ गए। फिर दूसरे रोज सुबह ही गए तो वो नौजवान ने जो पेट में दर्द था उसे आराम हो गए आराम कर लेगा इब्राहिम बेग शेदा वारसी रहमतुल्लाह अलैह
जागो वो नौजवान को पूछे कि भाई कल तुझे बहुत तकलीफ थी, तो हर तकलीफ के बाद या वारिस का नाम लेता था, ये क्या बात है, ये कौन ये बुजुर्ग है? तो सरकार के सच्चे पक्के आशिक, लेकिन सामने वाले को पहचानना भी जरूरी ना, इन्हें क्या वास्ते नाम ले रहा करो। तो उसे पूछे तो वो नौजवान बोलता है, मुझे पेट का दर्द बहुत ज़्यादा है, पहले से भी है, कई जगह इलाज कराया लेकिन मेरा इलाज कम नहीं होता। जब भी मुझे ये ख्वाब में एक बुजुर्ग आगे बोले, जब भी तुझे कोई तकलीफ हो तो या वारिस कह लिया करो, या वारिस कह लिया करो, बोल लिया करो, पढ़ लिया करो। जब भी मुझे तकलीफ आती है, मुझे पेट में दर्द होता है, मैं या वारिस या वारिस या वारिस बोलते रहता हूँ। दबा तो भाई बराए नाम लेता हूँ, असल में मेरा दर्द कम होता या वारिस बोलने से। तो सरकार वारिस से पाक अपने आशिकान को कोसे अंदाज में कोसे तरीके से मोहब्बत की तालीम दे जाती, ये सरकार वारिस से पाक कुछ नहीं। सरकार वारिस से पाक खास तालीम का निज़ाम नहीं बनाते थे। जब किसी को बैत देते तो सरकार वारिस से पाक का हाथ पकड़ लेना, सरकार वारिस से पाक का हाथ पकड़ लेना दीन और दुनिया के खजानों से बढ़कर। जो जैसी तमन्ना ले ले आता था, सरकार उसे वैसे खजाना से भर देता। कोई आता दुनिया की तलब ले लेगो तो सरकार वारिस से पाक मना नहीं करते थे, सरकार तो खजाने के मालिक है, उसे दुनिया दे जाते थे। कोई आता मैं सरकार से कुछ आखिरत व आखिरत की तालीम हासिल करूँ, तो सरकार वारिस से पाक उनको आखिरत की तालीम देता। और कोई नमाज पढ़ने की नीयत से लेकर आता कि सरकार वारिस से पाक मुझे नमाज दिए तो अच्छा है, तो सरकार वारिस से पाक उसे नमाज का हुक्म देता है, किसी को रोज़े का हुक्म देता है, किसी को जिक्र का हुक्म देता होते हैं। सरकार के आशिकान की भी बड़ी शान थी कि सरकार के आशिकान के जुबान में ये कीचक नाम रहता था, सर या वारिस, या वारिस, अखवारिस, लावारिस। ये एक आशिक थे, उन्होंने सरकार की आशिकी में मगन थे। एक रोज ख्याल आया सरकार का नाम लिखेंगे घर को, हबीब है खुदा का वारिस अली, हबीब है खुदा का वारिस अली, ये पर्ची में लिख लिए, बहुत अच्छा दिशा हमको। दूसरे रोज सोचे ये सरकार के सामने पेश कर डालेंगे, देखेंगे सरकार क्या बोलती है। ले लेकर आपको मजलिस में बैठे, दूर गांव में एक बादशाह राजा था, वो राजा को क्या की तकलीफ परेशानियां इसी बताएंगे फिर लिए। उन्हें एक आदमी को भेजा, मुझे बहुत तकलीफ आ गई है, जाको सरकार वारी से पक से कोई जिक्र ले लेको आ जाओ, ताकि वो पढ़ने से मेरी तकलीफ़ दूर हो जाए। वो एक आदमी को भेजा, तो वो आदमी भी आकर सरकार के सामने बैठे। ये सरकार के आशिक जो लिखे थे हबीब है खुदा का वारिस अली, ये ले लेगा को सरकार के सामने पेश कर, सरकार में ये लिख दो हम कैसा है बोलो। सरकार बोले को देखे, ये जो बादशाह का आदमी आया था उसे रपट को दे बोले, ले तेरे बादशाह को दे दे को बोल दे, इसका विरुद्ध कर लोगे ना तो उसकी तकलीफ पूरी दूर हो जाएगी। तो सरकार वारिस से पाक के ऐसे ऐसे वाकियात हैं कि हमें हर जुमेरात को एक एक दो दो वाकियात होते हैं, अब इससे ज़्यादा भी अगर बोलें तो हमारे दिमाग में बात टिकती नहीं। एक एक दो दो वाकियात बोलें तो सबको भी याद रह जाता है, और कोई से तो भी समाजा को इसे तो भी मिले तो जुमेरात को क्या वाकई बोले, सरकार की क्या बात हुई होगी
तो मैं आसानी से बोल सकती हूँ। अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा बयान करना है तो यहाँ से पूरा यहाँ से बोल जाते, तो उसके वास्ते हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, बस ये कि एक दो दो वाक्य आप बोलेंगे, हमें उसके हमारी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से हमें हर जुमेरात को जमरी या हमारे अंदर सरकार वाले से पाठ की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। तो हमें हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुसीबत में हमारा निकीच एक जिक्र है या वारिस, वार से हमको दूसरा क्या भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या भी करने की ज़रूरत नहीं, या वारिस बन को पूरा काम निकल ले सकते। मगर हमारी आशिकी में मतलब पवर ले लेंगे, हमारे दिला के अंदर वो यकीन पैदा करना कि या वारिस बोल जाता मेरी तकलीफ दूर हो जाए, और हमें जो या वारिस अखबारिस बोलते रहती ये खाली बोलने की हद तक नहीं ले लगवाना, ये हमारे अंदर या वारिस समा जाना, इसका यकीन आ जाना कि ये हमारा इसमें आ जाओ, इससे हमारी दोनों जहां की कामयाबी कर को हमारी जिंदगी में आ जाओ। ये यकीन के साथ हमें जब भी या वारिस बोल दी तो हमारे पूरे काम आने पड़ जाते। अल्लाह।